रेडी है नाजरी, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हकीम इस्माइल अहमद साहब, ये कोई तशरीफ लाए हैं और ये जो है कैंसर, थायराइड और फिट का इलाज करते हैं। आइए जानते हैं इन साहब से अमराज और उसके इलाज की तफसी। कैंसर एक ऐसी जो पेशेंट है जो किसी खानदान की फिटनेस से आता है और एक जो है ना कुछ गुजाओं की वजह से आता है, और तीसरा क्या है बोले तो आज के दौर में जो हम लोग बाहर की जो चीज़ें खा रहे हैं इसकी वजह से जो है ना कैंसर बढ़ता है। इसको प्रेस करने के लिए जहाँ तक हो सके अपने घर की चीज़ें खाया करें और जो है ना सेहत को बचाने के लिए हम जो है ना वक्त नींद लिया करें, और इससे बचाने के लिए कैंसर से बचना है तो सबसे पहली बात मैं जवान साथियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बुरा जो तंबाकू खा रहे उससे परहेज करें। इंशाल्लाह इसको परहेज करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना 50% ये कैंसर की बीमारी जो है ना अपने को अटैक नहीं करेगी। और इससे हट के जो खानदानी कैंसर आता है, खानदानी उनका नेगेटिव रहता है वो उससे जो है ना अक्सर होते ही रहता है। और तीसरा ये जो जिसको भी जो अंदर जो मौत के अंदर जो कैंसर आता है मेहरबानी करके उसको जो है ना किसी डॉक्टर से जल्दी उसको छोड़िए मत, उसका इलाज ऐसा कराइए कि उसको बगैर ब्लेड लगे के उसका इलाज करें, इंशाल्लाह कामयाब होते हैं। अगर हम गलती से समझो डॉक्टर की बात मान के अगर हम उसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, कैंसर की ये 3 खूबियाँ हैं। और फिट्स में क्या है देखिए अपने जिस्म में जो है ना यहाँ पर एक रगें होती हैं वो दिमाग से अटैक रहता है, और रगें क्या होता है कि जो है ना कभी कभी मौके के हिसाब से क्या होता है ना झट उनका सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो उतनी देर में क्या होता है फिट्स आते हैं। फिट्स आने के बाद जो है ना 2 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट रहते हैं, फिर उसके बाद उसका सर्कुलेशन चालू होने के बाद फ्रेश हो जाता है। लेकिन आदमी क्या होता है उससे कमज़ोर हो जाता है। आज जो है ना यूनानी में आपको बगैर खर्चे के जो है ना 5 दिन में मिलेगा। थायराइड में देखिए थायराइड भी क्या है स्टार्टिंग में थायराइड जो है ना हम केयर नहीं करते, थायराइड का फाउंडेशन जो है ना हमारे इन सेल्स है। ये सेल्स क्या होता है शुरू में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, थोड़ा सा तकलीफ देते तो हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाके कोई भी गोली ला लेते हैं, तो पेन किलर का इंजेक्शन लेते हैं, थोड़ा स्लो हो जाता है। तो होते होते क्या होता है मालूम है यहाँ की रगों का मात्रा जो सर्कुलेशन है खून का वो क्या होता है कमज़ोर हो जाता है। होने के बाद क्या होता है मालूम तकलीफ देते देते अपने को रगों से जो है ना जैसा जैसा ये बढ़ते जाएगा, तो अब हम खिजा समझिए कि जैसा कि बाहर की होटल की चीज़ें खा रहे चिकनी, तो जाने से क्या होता मालूम है उसका सर्कुलेशन कम हो जाता, अंदर जो है ना वो सांस ना लेने की वजह से क्या होता अंदर उसके जरासीम बढ़ते जाते। इस तरीके से क्या होगा थायराइड में आपकी निशानी क्या है बोले तो बट थायराइड में क्या होता है यहाँ भद्रात में तकलीफ होती है, उसके बाद थोड़ा सा क्या होता है ये सर पेन होता है, हम एहसास नहीं करते गोली खा लेते, फिर उसके बाद क्या होता है आँखों की बीनाई में कमज़ोरी आ जाती, फिर ये हमारे जिस्म की जितने भी रगे हैं कमज़ोर हो जाती है। इस तरीके से एक थायराइड हाइपो में क्या होता है जिस्म का वेट बढ़ते चला जाता है, ये हाइपो में आता है। और इससे हटके और एक हाइपर क्या है बोले तो हमारे आदमी में क्या होता है थोड़ा काली और बढ़ जाता बढ़ के सर के बाल जो है ना बिल्कुल ख़त्म होते चले जाते, फिर उसके बाद क्या होता है अपना वेट कम होता जाता और कमज़ोरी आती है, और ऐसे लोगों को क्या आखिरी में आँखों की बिनाई जाने का भी खतरा। तो थायराइड का इलाज, थायराइड का इलाज इंशाल्लाह 15 डेज में इंशाल्लाह आप जो है ना पा सकते मेरे से, ये कुदरती यूनानी दवा है। और आपने कैंसर के डॉक्टर से बताया कि तंबाकू ना खाएं, और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें कैंसर में बोला ना आपको देखिए इससे हटके शराब कैसे पीते मालूम हम लोग दन बल के पी के नमक खा लेते हैं वो जो है ना अटैक करता है, इसमें क्या होगा आपको आपको मतलब ये लेंस प्रॉब्लम होगा आपको लेंस कैंसर आएगा। और इससे हटके जो इंसान क्या करता मालूम है गिजाए नहीं खाता शराब पी के सो जाता उससे अपना लीवर कमज़ोर हो जाता लीवर कैंसर, और इससे हटके जो है ना किडनी कैंसर भी होता है। किडनी कैंसर क्या है मालूम आपको किडनी में क्या है हम कोई ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जैसे थूल जमी रहती खुली उससे क्या होता पथरी जमा होती, पथरी जमा होने के बाद क्या होता अपने को प्रॉब्लम क्या होता जब उसका सर्कुलेशन पेशाब का कम हो जाएगा तो अपने को किडनी पे क्या होगा बोले तो गर्म आएगा मतलब किडनी बढ़ने लग जाएगी क्यों उसका वेट बढ़ता जाएगा उससे क्या होगा किडनी
और ब्लू कैंसर होने का मकसद यही है कि जो है ना एक किस्म का जो है ना जानवर होता है वो खाली हमको ऐसा कभी काट दिया तो उससे कैंसर होने जा सकता है। तो ये जानवर कहाँ पाया जाता है? कहीं भी पा सकता है, घर में मिल सकता है, जंगल में कहीं भी मिल सकता है। ये मेरा यूनानी तरीके से मेरा ये तजुर्बा है, लेकिन डॉक्टरों का तजुर्बा ये नहीं मानता। इसके अलावा और देखिए ब्लड कैंसर है, स्किन कैंसर है, लेंथ कैंसर है, लीवर कैंसर है, और इससे हटके जो है ना आपको जो है ना आंखों के चेदानी पे कैंसर आ सकता है, और कुछ इंसान को जो मोशन की जगह स्पाइन बोल के होता है उसको नहीं कंट्रोल कर सकेगा, वो भी चल सकेगा। तो इन तमाम कैंसरों में इंशाल्लाह है इंशाल्लाह। देखिए फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में इंशाल्लाह में 2 महीने से 3 महीने में इंशाल्लाह शफा दूंगा, और लास्ट स्टेज में तो मैं भी गारंटी दूंगा, वो अल्लाह के भरोसे मैं दवा बना के दे दूंगा, शफा देने वाला वो है। अब तक आपने कितने कैंसर पेशेंट? देखिए इंशाल्लाह मैं अब तक 200 करा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह 150 तक मेरे रिपोर्ट आई, माशाल्लाह अच्छे है। आज भी कुछ लोग मेरे जो है ना सांगली में 10-12 लोग जो है ना आज भी इंशाल्लाह जिंदे हैं। हकीम इस्माइल साहब ये हमें बता रहे थे कि किस तरह का कैंसर होता है और उससे किस तरह से बचा जा सकता है, और इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कैंसरों का इलाज है, और 2-3 महीनों में कैंसर को जड़ से खत्म करने का दावा करते हैं। अगर फोर्थ स्टेज में हो तो ये तो पहले तो कैंसर छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर तो अवली वक्त में अगर डिटेक्ट कर लें, तो ऐसे मस्त जाकर इलाज करा सकते हैं, और सेहतियाब हो सकते हैं, और लंबी कामयाब और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद सलीम के साथ मैं मोहम्मद।